कल चूंकि रात में कल इनकाउंटर हुआ तो मैं दो लाइन बोलना चाहूंगा। श्रीनगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि जेवर पर जो अटैक किया था उसमें तीन टेररिस्ट पंथा चौक के आसपास छिपे हुए। श्रीनगर पुलिस सीआरपी लेके जो कॉर्डन डाला, अंदर से फायरिंग आ गया, जिसमें उस फायरिंग में इनिशियली फायरिंग में पुलिस के तीन और सीआरपी के दो पर्सनल जख्मी हो गए। उसको हम लोग तुरंत बीबी कैंट हॉस्पिटल ले गए, सारे स्टेबल है। बाद में एक और इंजर्ड हो गया। उस इनकाउंटर में तीन रेडेड टेररिस्ट मारे गए जैश मोहम्मद का, उसमें से एक सुहेल अहमद राठर है, जैसा कि हम मैंने कल आप लोगों से शेयर किया था काजीगुंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उस एफटी के अलावा सोहेल भी इन्वॉल्व है। सोहेल का अभी तक आइडेंटिफिकेशन हो गया है, बाकी दो का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगता है कि दोनों एफटी होगा, क्योंकि अभी तक कोई पेरेंट्स या कोई किसी ने कोई क्लेम नहीं किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 13 दिसंबर का जब अटैक हुआ था तो उसी रात मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि किलर को जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे, जिनके पुलिस ने एक टीम की तरह काम किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी इसमें हेल्प किया और इस इनपुट को छोटी सी इनपुट को डेवलप करते करते कल यह मुकाम आया जिसमें हम लोगों को सक्सेस मिला। अब मैं आप लोगों से पिछले एक साल में जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर हम लोग क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं, क्या क्या चैलेंज आगे है और अगले साल क्या करने वाले हैं, तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसका है नॉर्थ कश्मीर में 65 है, सेंट्रल कश्मीर में 16, साउथ कश्मीर में अभी भी ज़्यादा है 87। और जो आइडेंटिफाई कैटेगराइज टेररिस्ट है हमारे पास अभी 168 है।